हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का थर्ड पार्ट। हम लोग ऑलरेडी इसके दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज? वाइल्ड कैबेज से इनमें से कौन सा पौधा नहीं बनता? लेटस, ब्रोकरी, केल या कोलाबरी? ये तीनों बेटा जो है ना, ये वाइल्ड कैबेज से बनते हैं। ब्रोकली, गोभी और कोलाबी, ये तीनों किससे बनते हैं? वाइल्ड कैबेज से। लैटिस नहीं बनता। लैटिस क्या होता है? लैटिस किससे बनता है? लैटिस बेसिकली बनता है, इसकी अपनी एक स्पीशीज है लेट्यूस, ये उससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज लैटिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टनिंग ऑफ मेच्योर राइप फ्रूट इज ड्यू टू? भाई जैसे आम है, संतरा है, जब आप उसे बहुत लंबे समय तक फ्रिज में रख देते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट क्यों हो जाता है? किस वजह से वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है? तो वो सॉफ्ट किस वजह से होता है? क्योंकि जो उसकी मिडल लैमेला होती है, जो बीच की परत होती है, वो घुल जाती है। अगर वो घुल जाएगी तो वो ऐसे थोड़ा सा साइड से सॉफ्ट हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा बेसिकली। तो इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला, डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, डीलिग्निफिकेशन, रिमूवल ऑफ सबरिन, ये इसके ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। अगर मध्य पटलिका का विघटन हो जाए तो ये क्या करती है? तो ये सॉफ्ट फ्रूट कोई भी हो, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट क्रम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उस प्रकाश संश्लेषण में ग्रीन प्लांट्स के अंदर ब्रेक जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है। ऑक्सीजन बनती है, वो किसके ब्रेकडाउन से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? हमारा C6H12 O6 बन जाता है, प्लस O2 हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए इसके बाहर 666 लगा दो, ठीक है। तो अब वो ये पूछ रहा है, ये जो 6 ऑक्सीजन इकट्ठा हुई है ये किससे हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड से हुई है या वाटर से हुई है? तो ये जो भी ऑक्सीजन इकट्ठा होती है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी। तो करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से नहीं होती, क्योंकि वाटर जब भी ब्रेकडाउन होगा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा, O को रिलीज नहीं करेगा सिंगल। चलिए नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? पेनिसिलिन है क्या? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, यानी कि 2016 का प्रीवियस ईयर हमने किया, इसलिए उसमें भी था। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन बोलता है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये एक्सट्रैक्ट होती है किससे? ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट की गई थी। उस फंगस का नाम क्या था? उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगस है। इस फंगस से एक एंटीबायोटिक बनाई गई। एंटीबायोटिक कैसे बनाई गई? एक पेट्री प्लेट के ऊपर बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो किया गया था, गलती से उस पर फंगस गिर गई। तो जहां देखा गया, जहां जहां फंगस जा रही थी वहां वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो गई। तो समझ में आया कि अरे भाई, इससे हमें पता लगा कि भैया अब क्या हो रहा है, जो फंगस है ना वो बैक्टीरिया को मार दे रही है। क्योंकि फंगस बैक्टीरिया को मार दे रही है, इसीलिए फंगस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही, इसीलिए इस फंगस का इस्तेमाल बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जा सकता है। तो इस फंगस को निकाला और इससे पहली एंटीबायोटिक बनाई, ये बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ऑल्दो पेनिसिलिन आज बैन है, अगर मैं बात करूं तो पेनिसिलिन आज नहीं चलती, आज कंप्लीटली बैंड है, बट स्टिल बनाई किसने थी, डिस्कवर किसने करी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो ये बेसिकली किससे बनी है? फंगस से बनी है, कवक से बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। ये पूरा इसीलिए बताती हूँ हर बारी, क्योंकि इस पे आपने देखा अगर आगे के प्रीवियस ईयर करेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन इन पर्सन? एंटीजन का मतलब क्या होता है? जब भी मैं बाहर से कोई, देखो मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे घर में चोरी हुई, मैंने उस चोर से खुद लड़ाई करी, अगर मैंने खुद लड़ाई करी तो मैं एंटीबॉडी हूं, मैं नहीं लड़ पाई, मैं फेल हो गई, तो भैया सामने वाली आंटी ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने आकर के लड़ाई करी, तो वो एंटीजन है। तो मैं कौन हूं? एंटीबॉडी। और बाहर से जो आ रहा है वो कौन है? दैट इज एंटीजन। तो बेसिकली एंटीजन इज वॉट? एंटीजन एक
बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला ही करेक्ट है इसका, ये डब्ल्यूबीसी की उत्पादन को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, भैया बॉडी में एंटीबायोटिक्स कैसे बना पाएगा, एंटीबायोटिक तो दवाई है वो बाहर से बनती है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटी सीरम बना देता है, सीरम बॉडी कैसे बनाएगी, बाहर से लेना पड़ेगा। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, वो भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब वो क्या बोल रहा है पता है, वो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब बोल रहा है कि भैया जो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना रहा है, वो कौन करता है। इरिथ्रोसाइट्स, एक्चुअली इसके स्पेलिंग इन लोगों ने गलत लिखे हुए हैं, इरिथ्रोसाइट्स ये होना चाहिए था, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का मतलब हो गया ये डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, लिम्फोसाइट का मतलब हो गया ये डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया दे आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी, ये आरबीसी की बात कर रहा है। तो हमारा ऑक्सीजन कौन पकड़ता है, हमारे यहां पर ऑक्सीजन पकड़ता है हमारा आरबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, पहला इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड कैल्शियम इन प्लांट, प्लांट में कौन सा एलिमेंट होता है जो कैल्शियम और वाटर के लेवल को बढ़ा देता है, जो कैल्शियम और वाटर के लेवल को बढ़ा देता है वो होता है बोरॉन। बोरॉन एक ऐसा केमिकल होता है जो प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एलिमेंट्स को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोरॉन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वुड विल बिकम यूजलेस, कौन सी लकड़ी एकदम बेकार हो जाएगी सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, जैसे ही हम उसको ओपन एयर में एक्सपोज कर देंगे, तो इसमें से कौन सी वुड होगी जो खराब हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर इज वेट वुड, जैसे ही गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी को आप बाहर ले आओगे हवा आ जाएगी, सूखने लगेगी, जैसे ही वो सूखने लगेगी उसके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज वेट वुड। सॉफ्ट वुड, फिब्रस वुड, हार्ड वुड, तीनों नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर इज वेट वुड। Which among the following is a large spectrum antibiotic? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे क्वेश्चन पहले भी आया था कि भैया लार्ज स्पेक्ट्रम क्या होती है, तब स्टेटमेंट आ गई, आज ऑप्शन पूछ लिया। अगर मैं बात करूं, इसका करेक्ट आंसर इज क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे काम करती है, मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ये काम में आती है। तो जैसे ये बैक्टीरिया से बीमारी हुई तो भी हम क्लोरामफेनिकॉल दे देंगे, ये हुई तो भी क्लोरामफेनिकॉल दे देंगे, ऐसे तीन चार चीजों के लिए हम क्लोरामफेनिकॉल देते रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज क्लोरामफेनिकॉल। आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ, दांत और हड्डियां किससे बनी होती है, हाइड्रोलिथ, क्लोरोपेप्टाइड, फ्लोरोपेप्टाइड, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। दांत या हड्डी दोनों में ही क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। बस हड्डी में और दांत में फर्क क्या है, हड्डी अगर होगी तो उसमें मैग्नीशियम नहीं होगा, अगर टीथ होगी तो उसमें मैग्नीशियम होगा, ये सिर्फ टीथ में पाया जाता है, और ये बोन और टीथ दोनों में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि टीथ मजबूत या बोन मजबूत, ऑब्वियसली टीथ मजबूत। टीथ किसकी वजह से मजबूत, हमारे मैग्नीशियम की वजह से दांत मजबूत हो जाते हैं, किससे, हड्डियों से। तो एनीवेज इसका करेक्ट आंसर इज ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूं इसी क्वेश्चन के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू ईयर के क्वेश्चंस के साथ, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी, इट्स अबाउट एवरी जीएस पार्ट, जीएस का कोई भी पार्ट बिना क्वेश्चन के नहीं जाना, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे नहीं जाना। तो चलिए फिलहाल इसे खत्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।